नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। तो आज आप देख सकते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के आज फार फ्लंग एरिया में है, जो गुंडो भलेसा में आता है और यहाँ का नाम जो है डडखाई है। आज यहाँ पे RSCT की तरफ से जो SBI हैं उनकी तरफ से यहाँ पे जो एक महीने का कटिंग और टेलरिंग का जो कैंप रखा गया था, आज उस कैंप का जो है वो आखिरी दिन था, जो बच्चों को आज इनकी जो सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, और जिसमें हमारे STM जो भलेसा हैं वो चीफ गेस्ट यहाँ पे थे। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज जो बच्चों को जिस तरह से यहाँ पे आज सर्टिफिकेट्स बांटी गई, जिस तरह से आज कैंप लगाया गया डडखाई के इस फलाफ्रंग एरिए में, तो इनके हवाले से क्या कहेंगे। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि इसमें जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे डीफ एंड डंप, आप देख सकते हैं कि ये सामने जितने बच्चे बैठे हैं इन्होंने ये ट्रेनिंग यहाँ पर की और आज जो इसी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर इनको मिले हुए हैं। हम सीधा बातचीत करेंगे यहाँ पे जो STM सर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि ये इस कैंप से हवाले से क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, थोड़ा सा बताइए कि आज जो यहाँ पे आज ये कैंप्स लगा, इन बच्चों ने सीखा यहाँ पे कटिंग टेलरिंग का, और खास बात इसमें ये है कि इसमें कुछ बच्चे जो हैं डीफ एंड डंप हैं जिन्होंने आज इस कोर्स को भी किया और आज सर्टिफिकेट हासिल की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मैं सबसे पहले DC साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पब्लिक दरबार जब ऑर्गेनाइज हुआ था उनने कमिट किया था कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों को हम ट्रेनिंग कोर्सेज करवाएंगे, जो कि स्किल डेवलपमेंट के हवाले से या इनिशिएटिव का बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ एक महीने का। मैं डायरेक्टर RCT राजेश जी का भी धन्यवाद करूँगा, यहाँ की आवाम का भी धन्यवाद करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डडखाई जो है साइलेंट विलेज के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारे 82 डिफरेंट डंप जो है मतलब पॉपुलेशन पाई जाती है, तो बहुत ही अच्छा है। हमारी बच्चियां जो हैं आज यहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग कोर्स जो है सीखा, कटिंग एंड टेलरिंग में इन्हें हुनर सीखा, और यही गवर्नमेंट का पर्पज़ है कि हुनर से जो है रोज़गार जनरेट हो, बच्चियां जो है सक्षम हों, सशक्त हों, एम्पावर हों। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हमारी बच्चियाँ जो डेफ एंड डम है पर्टिकुलरली एंड इन जनरल जो बच्चियाँ जिनने यहाँ ट्रेनिंग कोर्स सीखा, तो आने वाली ज़िंदगी में जो है इनको ये बहुत ही बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेगा, अपना रोज़गार कमा सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी भी हमारी भलेसा की जो पंचायत हैं, रेवेन्यू विलेज हैं, वहाँ भी डाइवर्स किस्म के ट्रेड जो हैं ऑर्गेनाइज हो, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ एम्पावर हों, सेल्फ जो है रिलायंट बने। और मेरी तरफ से इन बच्चों को ऑल द बेस्ट। और जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने खुद बताया कि 30 दिन का जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ उससे इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, तो इनके अंदर भी एक सलाहियत जो है आ गई है कटिंग टेलरिंग की। बाकी कोर्सेज भी हों, कंप्यूटर कोर्सेज किए जाएं, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में हों, बी कीपिंग है, डेयरिंग है, तो वो कोर्सेज भी जो है यहाँ ऑर्गेनाइज हों। थैंक यू वेरी मच। सर, इस तरह से बच्चों ने ट्रेनिंग की, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ट्रेनिंग करके चुपचाप करके सर्टिफिकेट्स को घर पर रख लेते हैं, उनके लिए क्या बच्चों को मैसेज देंगे कि इनका जो इन्होंने ट्रेनिंग की है क्या उसका कोई आगे फ़ायदा उठाएंगे? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बच्चियों से कि इस ट्रेनिंग कोर्स को सर्टिफिकेट तक महदूद ना रखें। जो भी इनके पास सिलाई के लिए आता है या जो भी विलिंग है कपड़ा सीने के लिए या सूट बनाने के लिए, तो ये एक लिवलीहुड जनरेशन का और रोज़गार का बहुत ही अच्छा इनको अपॉर्चुनिटी मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि ये इस जो इनने सलाहियत सीखी है उसका उपयोग करें अपनी लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, डिग्री तक इसको महदूद ना रखें। तो यही मेरी इनसे विनती और रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सर। तो इसे SDM जो यहाँ पे आज आए, सीधा थोड़ा से बातचीत करेंगे, जो डायरेक्टर सर हैं यहाँ पे RCT के, जिन्होंने यहाँ पे इस बैच को ऑर्गेनाइज किया था, उनसे बात करेंगे कि आज जो इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम का क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका मेरे चैनल। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तो मैं DC साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट की और एज़ पर उनके इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे आए और बैच लगाया। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें SDM साहब की मिली, क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे पहले भी लगाने की, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया तो हमारा जो बैच था वो सक्सेसफुल, और लोग इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने सक्सेसफुल हमारा बैच रन हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं ये था कि हमारे जितने भी हमने आज तक मेरे टेन्योर में ऑफ कैंपस बैच लगे हैं, सबसे सक्सेसफुल बैच और सबसे पंक्चुअल बैच, सिंसियर बैच वो यही था। इसमें ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है ना, क्योंकि मैंने 12 बैच पहले भी लगाए हैं पूरे 1.5 साल में 2 साल में जो ऑफ कैंपस लगे। इन कैंपस तो हमारे चलते ही हैं, लेकिन ऑफ कैंपस में लगाए हैं और सबसे ज़्यादा सिंसियर बैच मेरे को यही नज़र आया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम हाजी मोहम्मद लतीफ़ है, मैं एक्स सरपंच
पिछले सरपंच जो था, मैं यहाँ का डड़काई बी का सरपंच था, और उसके बाद मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और राजेश जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस दूर दराज एरिए में आज पहला एक सरकारी कैंप जो है गार्ड और पटवारी के अलावा जो है हमारे गाँव में हमारे विलेज में लगाया। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने के दिल की अमीर तरीन ग्रहियों से शुक्रिया करता हूँ। इससे हमारी बच्चियों ने जो कुछ सीखा, ये इनसे एक रोज़गार स्टार्ट करने का प्रोग्राम है और इसको आगे हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम। और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें ऐसे सेंटर एक दो और भी दिए जाएँ ताकि दूसरी लड़कियाँ भी सीख के अपना रोज़गार का प्रोग्राम जो है वो सीख सकें। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आपका, आपके चैनल का और जनाब डी सी साहब और डायरेक्टर साहब और SDM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे दूर दराज एरिया में आके ये कैंप लगाया। मेरा नाम राफिया है, पंचायत बी से मैंने कटिंग की भी सीखी, सिलाई भी सीखी, सब कुछ अच्छी तरह से हमने ट्रेनिंग दी। तो हमने बहुत सारे फ़ायदे इस सेंटर से उठाए क्योंकि हमने बाहर से कोई आए हमने सिखाए, सब हमने फ़ायदे सीखे यहाँ से। हम पंचायत बी से हैं, हमने ये कटाई भी सीखी है और सिलाई भी सीखी है, हमको इसमें बहुत फ़ायदा मिला है।